हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आज बना रही हूँ आपके लिए मस्त खिचड़ी, मींस मटन खिचड़ी। तो ये मटन खिचड़ी कैसे बनती है ये देख लेते हैं। मटन खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने मटन लिया है और फिर इसमें डालते हैं हल्दी, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अनियन। अनियन की क्वांटिटी आपको जैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज का अनियन लिया है और उसे कट करके इसमें डाल दिया है। फिर इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बस इसको कुक करने के लिए जितना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है और साथ ही डाल देते हैं कुछ खड़े गर्म मसाले। मैंने यहाँ पे डाला है काली मिर्च, दालचीनी, 1 हरी इलायची और लौंग। इन खड़े गर्म मसाले को डाल के इसे हमें कुक कर लेना है। मटन को मैंने कुक होने रख दिया। यहाँ पे तेल भी हीट हो चुका है। इसमें डालते हैं तेज पत्ता, जीरा, हींग और जीरा। इन सभी को थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद इसमें डालना है अनियन। अनियन फिर से मैंने 3 से 4 अनियन को कट करके ले लिया है और अनियन को अच्छी तरीके से नमक के साथ भून लेते हैं। जैसे कि अच्छी तरीके से भून गया, बिकॉज मैं बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ मटन खिचड़ी, तो यहाँ पे मैंने आलू का भी यूज़ किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट आलू के साथ ही बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है मूंग दाल। अब इसमें डालते हैं मसूर दाल। मूंग दाल और मसूर दाल मिक्स करके मैंने 1 कप लिया है और फिर अब इसमें डालते हैं चावल। चावल जाएगा इसमें 1.5 कप। दाल चावल डाल के मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है और भूनते वक्त यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दें। घी डालने से दाल चावल अच्छे तरीके से भून जाते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। बॉयल किए हुए जो हम लोगों ने मटन रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। मटन को मैंने 2 सीटी हाई फ्लेम और 3 सीटी लो फ्लेम में कुक कर लिया है और ये अच्छी तरीके से पक गया है। मटन को डालने के बाद इसे फिर से भूनना है। साथ ही जो स्टॉक बचा था मटन का, मटन को बॉईल करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था, वो भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही डालते हैं अब कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, थोड़ा सा चीनी। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरीके से फिर से भूनना है। फ्लेम को मैंने अभी कम ही रखा है। मसाले अच्छी तरीके से भून जाते हैं लो फ्लेम में, हाई करने से जल जाएंगे दाल चावल भी नीचे से। उसके बाद 2 चम्मच इसमें डालते हैं मीट मसाला। मीट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मसाले हमें एक्स्ट्रा और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीट मसाला अगर डाल दो तो मीट मसाला डालने के बाद फिर से मैंने इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए भून लिया है अच्छी तरीके से। और डाल देते हैं अब गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने यहाँ पे खड़े गरम मसाले भी यूज़ किए, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पाउडर भी यूज़ किया है। सारे मसाले अच्छी तरीके से अब भून गए हैं। अब इसमें डालना है पानी। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, मीन्स आपको खिचड़ी की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, गाढ़ी रखनी है, थोड़ी पतली रखनी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालो। या फिर दाल और चावल कुक करने में आपका जिस क्वालिटी का चावल है उसके अकॉर्डिंग इसमें डालें। मटन क्योंकि कुक किया हुआ है और अच्छी तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो, ये पक चुका है, तो मैंने यहाँ पे पानी अच्छी तरीके से डाल दिया है और अब इसे कवर करके अब कुक कर लेते हैं। पंद्रह मिनट बाद ये अच्छी तरीके से पक के रेडी हो चुका है। लास्ट में इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। मैंने बीच में मिर्च में नहीं डाला है। आप चाहो तो और भी इसे तीखा बनाना है तो और भी डाल सकते हो। मीट मसाला क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ही तीखा होता है, तो मैंने थोड़ा सा मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है और रेडी हो चुका है मटन खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको ये मटन खिचड़ी मस्त खिचड़ी कैसी लगी। मिलते हो अगली टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।